तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है प्लूरा। वो बेसिकली जो प्लूरा जो है ये क्या है, ये आपकी लंग्स की कवरिंग जो होती है उसे अपन बोलते हैं प्लूरा। तो मतलब कि अपन जानते हैं, ये आप पिंक से यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्या है, लंग्स। अब इस पूरे लंग्स को जो है एक सीरस मेम्ब्रेन कवर कर रही है, उसको अपन बोलते हैं प्लूरा। तो प्लूरा जो है अपन लंग्स की कवरिंग को ही अपन बोलते हैं प्लूरा। अब सबसे पहले इस वीडियो में अपन देखेंगे कि प्लूरा क्या है, फिर उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, पूरा डिटेल में अपन प्लूरा देखेंगे। फिर मैं आपको सरफेस मार्किंग भी बताऊंगा प्लूरा की। उसके बाद इसको किस तरीके से यूनिवर्सिटी में आपको लिख के आना है और कौन सा डायग्राम इसमें बनाना है, मैं आपको वो बताऊंगा। क्योंकि अल्टीमेटली अपन को लिख के तो उसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आना है। और ये जो वीडियो है ना, ये अपनी पार्ट वन वीडियो है प्लूरा की। और उस पार्ट वन में भी ये अपना ए सेक्शन है। मतलब अपन पार्ट वन वीडियो को जो है अपन दो सेक्शन में डालेंगे। पहला ए सेक्शन में होगा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट कि प्लूरा क्या होता है और पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में डिफरेंस बिटवीन। देन अपन इस पार्ट वन वीडियो की बी सेक्शन में डालेंगे कि जो है प्लूरा की सरफेस मार्किंग क्या होती है। अब मैं अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लंग्स है, इन दोनों लंग्स के बीच में ये जो स्पेस है इसको अपन बोलते हैं मीडिया स्टेनम। तो ये जो है बेसिक कंसेप्ट है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना कि लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको अपन बोलते हैं मीडिया स्टेनम। अभी जो प्लूरा जो है ये आपके मीडिया स्टेनम के दोनों साइड रहती है। मतलब कि दोनों साइड अपने लंग्स है, तो लंग्स और दोनों लंग्स को कौन सी कवर कर रही है मेम्ब्रेन, वो है प्लूरा। तो जो है तो अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि मीडिया स्टेनम के दोनों साइड जो है अपनी प्लूरा होती है। और बेसिकली जो प्लूरा जो है ये एक्चुअली में एक सैक की तरह है, ये एक थैली की तरह है जिसके अंदर जो है पूरा आपका लंग्स कवर है। अब इसको मैं समझाने के लिए प्लूरा को मैं आपको ये, अगर मान लो ये जो मेरा फ़ोन का कवर है, ये आपका लंग्स, और मैं इसको समझाऊँ। अब ये लंग्स है, अब इसको ये जो है क्या कर रही है, एक मेम्ब्रेन कवर कर रही है। तो इसको अगर मैं इस तरीके से दिखाऊँ, ये तो ये मेरा लंग्स है, ये लंग्स को जो मेम्ब्रेन कवर कर रही है यही है आपकी प्लूरा। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो प्लूरा जो है ये एक्चुअली में इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक है इनर लेयर। अब जो इनर लेयर जो है ये क्या है, मेरा लंग्स, लंग्स के बिल्कुल अटैच में है। तो इनर लेयर को अपन कहते हैं विसरल प्लूरा, और एक होती है आउटर लेयर जो कि ये वाली है, इसको अपन बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। मतलब एक्चुअली में ये क्या है, ये पूरी है आपकी प्लूरा। यही प्लूरा क्या करती है, ऐसी फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होकर बना लेती है टू लेयर्स। तो इनर लेयर जो है विसरल प्लूरा, और एक आउटर लेयर जो है आपकी पैराइटल प्लूरा। और ये जो विसरल प्लूरा है ना, ये याद कर लेना, ये क्या होती है, लंग्स के बिल्कुल आपके फ्रेमली अटैच होती है। मतलब इसको क्या अपन कभी रिमूव नहीं कर पाते हैं। जैसे आपको डाइसेक्शन वगैरह में जब आपको लंग्स दिखाएंगे, तो आपको जब वो लंग्स दिखेगा ना, वो आपका विसरल प्लूरा के साथ ही दिखेगा। और उसके अलावा एक होती है पैराइटल प्लूरा। अब इस विसरल प्लूरा और एक पैराइटल प्लूरा, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको अपन बोलते हैं प्लूरल कैविटी। आपको समझाने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम भी दिखाऊं, तो आपको इस डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, ये आपका पूरा लंग्स है। देन लंग्स के बिल्कुल आउटसाइड में ये जो मेम्ब्रेन कवर है उसको अपन कहते हैं विसरल प्लूरा, और इसके आउट में क्या है, पैराइटल प्लूरा। और इन दोनों के बीच में स्पेस क्या है, वो है आपके प्लूरल कैविटी। मतलब कि अपन ने अभी क्या देखा कि प्लूरा जो है ये एक सीरस मेम्ब्रेन है जो कि दो लेयर की होती है, आउटर पैराइटल, इनर विसरल, और उन दोनों के बीच में स्पेस होती है जिसको अपन कहते हैं प्लूरल कैविटी। अब जो प्लूरा जो है ना, ये एक्चुअली में क्या है, पूरे लंग्स को आपको कवर करती है। इसको समझाने के लिए अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं, तो ये आपका लंग्स का डायग्राम है। तो जो प्लूरा जो है ये दोनों लंग्स को अच्छे से कवर करती है। सिर्फ कहाँ पर कवर नहीं करती, एट द हाइलम, ये जो हाइलम जो रहता है वहाँ पर कवर नहीं करती। अब आप बोलोगे लंग्स में हाइलम क्या है, एक्चुअली में वो वाला पार्ट लंग्स में जहाँ पे आपकी ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस एंटर करती हैं, उस एरिया को अपन बोलते हैं हाइलम। तो क्या करेगी ये जो प्लूरा जो है लंग्स को पूरी तरीके से आपको कवर कर लेगी, और फिर क्या, हाइलम पे आके आपका दोनों मेम्ब्रेन जो है एक दूसरे से फ्यूज हो जाती हैं। मतलब कि जो प्लूरा है वो पूरे लंग्स को आपको कवर करती हैं एक्सेप्ट हाइलम, हाइलम पे ये नहीं करती, जहाँ पे दोनों पैराइटल एंड विसरल प्लूरा जो है वो आके अटैच हो जाती है। तो ये अपन ने अभी प्लूरा को समझा। देन इसको अब जो है ना अपन इसका डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि मेनली क्या यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट में आ जाता है, राइट द कंपैरिजन बिटवीन विसरल एंड पैराइटल प्लूरा। तो इसको एक बार अपन डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं डेवलपमेंट। तो ये है विसरल वाला और ये पैराइटल। अब दोनों याद कर लो कि विसरल और पैराइटल दोनों की दोनों जो प्लूरा है वो कहाँ से डेवलप्ड होती हैं, वो आपकी डेवलप्ड होती है मीजोडर्म से। अब जो मीजोडर्म भी जो है वो आपकी दो तरीके की मीजोडर्म होती हैं, एक स्प्लीनोप्लूरिक और एक सोमेटोप्लूरिक।
अब यार इन दोनों को ना मैं डिटेल में आपको एम्ब्रोलॉजी में बताऊंगा, क्योंकि ये एक सेपरेट और एक लॉन्ग टॉपिक है दोनों मिजोरम। तो इसके लिए आपको जो लिंक जो है ना, आपको आई बटन में मैं आपको डाल दूंगा जब मैं इसकी एम्ब्रोलॉजी की वीडियो अपलोड करूंगा। अभी बेसिकली तुम जो है ना इसको याद कर लो कि विसरल वाली जो है मिजोरम से तो डेवलप्ड हो रही है। मिजोरम भी कौन सी तरीके की मिजोरम? दो तरीके की मिजोरम होती है। तो मिजोरम में भी स्प्लिनो प्लूरिक मिजोरम और पैराइटल वाला कहाँ से डेवलप होता है? सोमेटो प्लूरिक मिजोरम। देन अपन देखे पोजिशन, तो अपन को पोजिशन पता है कि विसरल वाला कहाँ होता है? इनर साइड, अंदर की साइड होता है। वहीं पैराइटल वाला कहाँ होता है? आउटसाइड। तो जो विसरल प्लूरा जो है इनसाइड है, तो क्या कर रहा है? लाइन सरफेस, मतलब ये कर रहा है लंग्स है ना, तो लंग्स की सरफेस को पूरा कवर कर रहा है, इंक्लूडिंग उसका टिश्यू और उसके फिशर्स भी। देन जो पैराइटल प्लूरा है ये किसको लाइन कर रहा है? ये आपको थॉरेक्स वॉल को, मीडियास्टिनम को और डायफ्राम को। कि अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये बाहर जो आपको डार्क ब्लू से दिख रहा है वो क्या है? पैराइटल प्लूरा। अब दोनों लंग्स के बीच में क्या था? मीडियास्टिनम। तो जो पैराइटल प्लूरा जो है ये मीडियास्टिनम को भी लाइन कर रहा है। देन इधर क्या होता है? आपका होता है डोम शेप की मसल, जिसको अपन कहते हैं डायफ्राम। अपन को डायफ्राम के बारे में पता है कि डायफ्राम इधर रहती है, जो कि थॉरेक्स कैविटी एब्डोमिन को दोनों को सेपरेट करती है। अगर आपको डायफ्राम का कंसेप्ट नहीं पता तो इसके ऊपर जो है मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। पैराइटल प्लूरा जो है वो आपकी मीडियास्टिनम को कवर कर रहा है, लाइन कर रहा है। देन डायफ्राम को भी लाइन कर रहा है। उसके अलावा ये क्या है? ये थोरेसिक वॉल है, तो ये थोरेसिक वॉल को भी कवर कर रहा है। फिर अपन देखें इसका नर्व सप्लाई। तो यार इसका नर्व सप्लाई देखने से पहले ना मैं तुम्हें क्या बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ, ताकि बिल्कुल तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो कि सबसे पहले क्या होता है जो अपना नर्वस सिस्टम है। बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ये आप नीट में पढ़ा है आपने पहले भी। तो नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में कौन आ जाता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू पार्ट में डिवाइड है, एक सोमेटिक और एक ऑटोनोमिक। इतना अपन को पता है। ऑटोनोमिक भी दो तरीके के होते हैं, सिंपैथेटिक और एक पैरासिंपैथेटिक। अब जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है, अब एनाटॉमी में अपन ने जब अपर लिम पढ़ा तो उसमें पढ़ना पड़ा था ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो जो जो ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो आपके सोमेटिक नर्वस सिस्टम में ही आता है। अब बेसिकली जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होता है? वो होता है वॉलेंट्री, मतलब कि सारे वॉलेंट्री वाले बॉडी में चीज़ क्या होती है? मसल होती है। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम किसको सप्लाई करता है? अपनी मसल को। और मसल को सप्लाई कौन करते हैं? मेनली प्लेक्सेस। तो अपन ने जो पढ़े थे सर्वाइकल प्लेक्सेस, फिर ब्रेकियल प्लेक्सेस, फिर लंबर प्लेक्सेस, फिर सैक्रल प्लेक्सेस, उन सारी नर्व्स जो होती हैं वो आपकी होती हैं सोमेटिक नर्व्स। देन फिर अपन देखें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो मेनली क्या है? वो आपका है इनवॉलेंट्री। अपनी बॉडी में इनवॉलेंट्री क्या होते हैं? अपनी बॉडी में इनवॉलेंट्री होते हैं ऑर्गन, जो मतलब कि अपने वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होते, अपन उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि लंग्स है, लंग्स भी एक ऑर्गन है। तो ये क्या है? ये आपका होगा इनवॉलेंट्री। तो इनवॉलेंट्री को अपन सप्लाई किससे करते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। अब जो सोमेटिक है ना यार, वो क्या होता है? वॉलेंट्री होता है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? इंक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब कि अपन मसल का कॉन्ट्रैक्शन अपन ने इंक्रीज कर लिया, फिर डिक्रीज कर लिया। तो अपन सोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या इंक्रीज डिक्रीज अपन कर सकते हैं, क्योंकि वॉलेंट्री कंट्रोल में है। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता, ये होता है इनवॉलेंट्री। तो इसके अंदर क्या होता है? बढ़ाने के लिए, मतलब कि लंग्स की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए अलग अलग नर्व सप्लाई होगा और घटाने के लिए अलग होगा। तो इसको मैं बेसिकली यार याद करने के लिए मैं तुम्हें क्या हार्ट से बताता हूँ, मैं मेनली मैं हार्ट से बताना प्रेफर करता हूँ। तो अगर अपन देखें सिंपैथेटिक, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? हार्ट बीट को बढ़ाएगा। तो अपन ये बोलेंगे हार्ट बीट में सिंपैथेटिक बढ़ाएगा। अब क्या होता है? हर ऑर्गन के लिए अलग होता है, हार्ट के लिए बढ़ाता है, ठीक है। और भाई पैरासिंपैथेटिक क्या होता है? ये हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। तो बढ़ाने के लिए अलग, घटाने के लिए अलग। तो एक चीज इसी तरीके से याद कर लेना कि ऑर्गन को अपन मेनली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देते हैं, और ऑटोनॉमिक में दो होती हैं, एक सिंपैथेटिक अलग और पैरासिंपैथेटिक अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि बढ़ाने के लिए अलग दोगे आप और घटाने के लिए अलग दोगे, क्योंकि वो होते हैं इनवॉलेंट्री। और वॉलेंट्री में क्या आते हैं? वॉलेंट्री में कौन आते हैं? वो आता है सोमेटिक, जिसके अंदर आते हैं अपने सारे प्लेक्सेस। तो यार बेसिक कंसेप्ट है यार, तो मैंने तुम्हें पहले ही अच्छे से बता दिया, वरना तुम क्या करते चीज़ों को फिर रटने लग जाते हैं। तो मैं यही, तो तुम यार मेरी वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्या आगे भी अपने बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो मैंने बिल्कुल तुम्हें बेसिक क्लियर कर दिया इसका। तो जो नर्व सप्लाई जो है, जो विसरल प्लूरा जो है, अपन ने क्या बताया? वो लंग्स से बिल्कुल फ्रेमली अटैच होती है।
तो अपना लंग्स है वो है ऑर्गन, ऑर्गन सप्लाई बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अपन कौन कौन से दो नर्व होती हैं, एक सिंपैथेटिक अलग और एक पैरासिंपैथेटिक अलग। तो विसरल पूरा जो है उसकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से होगी, सिंपैथेटिक नर्व्स कहाँ से आएंगी उसकी, T2 से T5 गैंग्लियन से। अब इसके ऊपर भी मैं तुम्हें सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक कहाँ से आती हैं, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अब इतना याद कर लेना कि सिंपैथेटिक जो उसका नर्वस सिस्टम है वो T2 से T5 की गैंग्लियन से आता है, वहीं जो पैरासिंपैथेटिक है वो आपका सप्लाई बाय वीगस नर्व, वो आपका आता है वीगस नर्व से। वहीं जो पैराइटल प्लूरा जो है वो आउटसाइड है, आउटर लेयर है, तो इसको अपन जो है ना सोमेटिक नर्व से ही सप्लाई करते हैं। तो दो सोमेटिक नर्व से सप्लाई होता है, एक थोरसिक नर्व और एक फ्रेनिक नर्व। अब यार तुम अगर डायरेक्ट पढ़ते ना तो तुम क्या इसको डायरेक्ट नर्व्स नाम याद कर लेते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें उसको डिटेल में बिल्कुल डीप में जाके बताया है कि ये नर्व है क्या। ठीक है, फिर अपन आते हैं सेंसिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो विसरल प्लूरा जो है वो आपकी पेन के लिए इनसेंसिटिव होती है। मतलब अगर तुम एक नाइफ लोगे और विसरल प्लूरा में अगर कट लगा दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये इनसेंसिटिव है पेन पे। वहीं पैराइटल पे अगर तुमने थोड़ा सा भी कट लगा दिया ना, तुम दर्द के मारे मर जाओगे, क्योंकि वो सेंसिटिव है, आपके पेन के लिए सेंसिटिव होती है। फिर अपन देखते हैं ब्लड सप्लाई। अब जो ब्लड सप्लाई जो है विसरल को कौन ब्लड सप्लाई करता है, वो सप्लाई होती है आपकी ब्रोंकियल वेसल। वहीं पैराइटल को कौन सप्लाई करेगा, इंटरकोस्टल एंड पेरिकार्डियल वेसल्स। अब यार इसको याद करने के लिए मैं बताऊँ एक्चुअली में क्या रहता है ब्लड का, उसमें क्या होता है, जिस सरफेस के जोन सी वेसल पास में होती है वो उसको ब्लड सप्लाई कर देती है। अगर तुम यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपका है पैराइटल प्लूरा, और पैराइटल जो प्लूरा है वो किसके पास में, रिब के पास में है, और रिब के बीच में क्या होता है, इंटरकोस्टल वेसल। तो इसलिए जो पैराइटल प्लूरा जो है उसका ब्लड सप्लाई कहाँ से हो जाता है, आपका हो जाता है इंटरकोस्टल वेसल से। वहीं अपन देखें इसका विसरल वाले का, तो विसरल वाला आपका कहाँ है, लंग्स के पास में है, और लंग्स में मेनली क्या ओपन होता है, ब्रोंकियल, तो उसको सप्लाई करता है ब्रोंकियल वेसल। तो आप उसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। फिर अपन आते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज में भी यही है, कुछ लिम्फ नोड रहते हैं। अब विसरल प्लूरा में क्या होता है, ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल पास में होते हैं, तो उसका लिम्फ नोड कौन सा है, उसका है ट्रेकिया ब्रोंकियल लिम्फ नोड। तो उसको याद करने के लिए तुम टीबी, टीबी जंगल बना लो, टीबी डिसीज है ना वो, मतलब कि ट्रेकिया ब्रोंकियल लिम्फ नोड। वहीं पैराइटल कहाँ से ड्रेन होगा, इंटरकोस्टल के पास में, तो ड्रेन होगा आपका इंटरकोस्टल लिम्फ नोड। तो मैंने आप इसका देखते हैं सरफेस मार्किंग, और सरफेस मार्किंग देखने से पहले ये दो पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ कि जो विसरल प्लूरा जो है वो क्या है, वो आपके पूरे लंग्स को कवर कर रहा है, उसकी सरफेस को, उसके फिशर को भी, बस कहाँ से कवर नहीं करता, एट द हाइलम से आपका कवर नहीं करता, क्योंकि अपना जो हाइलम जो है वहाँ पर जाके क्या होता है, दोनों लेयर विसरल एंड पैराइटल दोनों जाके आपकी मीट हो जाती हैं, दोनों जुड़ जाती हैं। उसके अलावा जो जो विसरल प्लूरा जो है वो क्या है, फ्रेमली अटैच रहता है लंग्स से, उसको अपन सेपरेट नहीं कर पाते हैं। वहीं अपन आते हैं पैराइटल प्लूरा पे। अब जो पैराइटल प्लूरा जो है वो क्या है, इस डायग्राम से अगर दिखाऊं वो क्या है, सबसे पहले थिक है, आपकी विसरल के कंपेयर में वो थिक होती है, और उसके अलावा उसको अपन ने चार डिवीजन में सब डिवाइड उसको करा है। अगर मैं आपको इसमें भी दिखाऊं तो कौन कौन से सब डिवीजन है, अब एक है जो पैराइटल प्लूरा, ये डायफ्राम के साइड है, तो उसको अपन ने एक सब डिवीजन इसका कर दिया डायफ्रामेटिक प्लूरा, डायफ्रामेटिक पैराइटल प्लूरा। जो मीडिया स्टेनम के साइड है उसको अपन ने बोल दिया मीडिया स्टेनम पैराइटल प्लूरा। अब एक जो सर्विक है, ये सर्विकल रीजन है, उसको अपन बोल देंगे, मतलब ऊपर वाला जो एपेक्स है ना उसको बोलते हैं सर्विकल प्लूरा। और जो पूरा ये वाला पार्ट किससे कवर होगा, ये आपका कवर होगा रिप्स है, और रिप्स को अपन क्या बोलते हैं, कोस्टा, तो उसको अपन बोलते हैं कोस्टल एरिया। अगर इसको समझाने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं, तो ये आपका लंग्स है, ये वाली सरफेस किससे कवर हो रही है, रिप से कवर हो रही है, तो उसको अपन बोलते हैं कोस्टा, ऊपर वाले को अपन बोलते हैं सर्वाइकल प्लूरा, नीचे वाला डायफ्राम के साइड है तो उसको बोलेंगे डायफ्रामेटिक प्लूरा, और ये वाला क्या है, मीडिया स्टेनम का साइड है, तो अपन उसको बोलेंगे मीडिया स्टेनम प्लूरा। तो सारे मैंने आपको प्लूरा बताया, देन अब अपन इसका देखते हैं सरफेस मार्किंग।